बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर शासन ने प्रवासियों की सूची आखिरकार जारी कर दी है। दरअसल देश के सभी राज्यों से उत्तराखंड को लेकर आवेदन मिल रहे थे, केंद्र शासित प्रदेशों से भी ये आवेदन आए हैं। तो 1,37,996 लोगों ने इस दौरान रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि दिल्ली से सबसे ज्यादा ये आवेदन प्राप्त हुए हैं, जहां पर 39,429 लोगों ने आवेदन किया है वापसी को लेकर। तो लद्दाख से राज्य को केवल एक आवेदन मिला है। सरकार ने वाहनों की सूची अब तैयार की है। बताया जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग अलग इंतजाम किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर और जो लोग इच्छुक हैं उत्तराखंड वापसी के लिए, उनको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर, साथ ही एक वेबसाइट लिंक भी सरकार के जरिए जारी किया गया था, ताकि उन लोगों की नाम सरकार के पास आ पाए जो लोग इच्छुक हैं वापसी के लिए। और इस लिस्ट को आखिरकार फिलहाल जारी कर दिया गया है।